बुधवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार अहिरवार के नेतृत्व में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र व्याप्त जन समस्याओं को लेकर भाजपा विदाई यज्ञ किया, जिसमें कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने विधानसभा क्षेत्र में पर्याप्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अव्यवस्थाओं, मंडी बामोरा रेलवे गेट पर घंटों तक लग रहे जाम, क्षेत्र के किसानों की बदहाली, अवैध रेत उत्खनन, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली, अवैध व जहरीली शराब की बिक्री, चंदा वसूली, औद्योगिकरण का अभाव, घटिया निर्माण कार्य, महंगाई, हर एक क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार और युवाओं को रोजगार की समस्याओं की आहुतियां दी। आम सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इस बीच तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन कांग्रेस नेता बारिश के बीच नहीं रुके और भाजपा सरकार पर बरसते रहे। नेता प्रदीप अहिरवार ने सभा में आए कार्यकर्ताओं पर फूल बरसाए। कुरवाई से शानू खान की रिपोर्ट। अस्पताल की व्यवस्था, प्रदेश में महिला उत्पीड़न की घटनाएं और भारतीय जनता पार्टी को हम सब लोग यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए सोच स्वाहा। धन्यवाद। बेरोजगारी, देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।